पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 433 पोस्ट हैं, राइट। पोस्ट कौन सी है? नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। इसका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन स्टार्ट होगा बेटा 7/11/2022 से। लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 1/12/2022। आपका एग्जाम होगा 18 दिसंबर 2022। कब होगा? 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम होगा। आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 7 पे ग्रेड के हिसाब से रहने वाली है। 7 पे ग्रेड के हिसाब से रहने वाली है, यानी कि 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये आपकी पेमेंट रहेगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशंस तो क्वालिफिकेशन में इसमें बीएससी नर्सिंग वाला भी अप्लाई कर सकता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला भी अप्लाई कर सकता है। जीएनएम वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। तो देखो, पहले से प्री प्लान हो गया है कि एग्जाम कब है, 18 दिसंबर 2022 को। तो याद रखना, अप्लाई करना, अच्छे वैकेंसी है। एक बार फिर देख लो, जिपमर पांडुचेरी से वैकेंसी निकली है किसके? नर्सिंग ऑफिसर की। टोटल पोस्ट 433 है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट होगी 7 नवंबर 2022, लास्ट डेट होगी 1 दिसंबर 2022। देन इसके जो सैलरी रहने वाली 7 पे ग्रेड के हिसाब से रहेगी, यानी कि 44,900 से लेके 1,42,400 तक जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। जीएनएम वाला भी अप्लाई कर सकता है, बट 2 ईयर का क्या होना चाहिए? 50 बेडेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। इसका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड क्या होगा, टेस्ट होगा, और प्लस क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। इसका सिलेबस की बात करें, 70% नर्सिंग का सिलेबस आएगा। 30% में 3 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल जीके आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल मैथमेटिक्स आएगा। 10 10 10 नंबर की आएगी बेटा, 30 नंबर के थे तीनों हो गए, और 70 नंबर का क्या होगा? नर्सिंग सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्वागत है आपका 18 दिसंबर 2022 को, यानी कि आपके पास ओनली फॉर कितना डेज है? 1 मंथ, 1.5 मंथ मान सकते हैं। 1.5 महीने में जितना कर सकते हो उतना करो। इधर से मैं भी कोशिश कर रहा हूं, उधर से आप भी कोशिश करो, राइट। और इस